हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम आज को स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का सही निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। सेकंड है, पाठकों अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। थर्ड है, बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। फोर्थ है, बच्चों को पाठ्य पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बात हो रही है कि बच्चों को लिखित सामग्री का जितना उपयोग कराया जाएगा उतना ही हम देखते हैं कि बच्चे लिखित भाषा में उनकी प्रति रुचि है जो सहजता से बढ़ती चली जाएगी। और उसका कथन क्या होगा, उसका सही वाला निहितार्थ कथन क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बच्चों को सबसे ज़्यादा हम क्या करें, अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचनाएं वगैरह देखने को पढ़ने का अवसर देंगे तो बच्चे के इससे ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह सहज होता है। सेकेंड है, यह परिवार में ही होता है। थर्ड है, यह कठिन होता है। फोर्थ, यह विद्यालय में ही होता है। यह बात की जा रही है कि भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन क्या होती है, अपने सहज पूर्ण से होती है, अपने समाज में रहकर होती है, अपने एनवायरमेंट में रहकर होती है। विद्यालय में क्या अधिगम होता है, जो कि हम जाके सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सहज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। आप में निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। सेकंड है, उच्च गति एवं प्रवाह। थर्ड है, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। फोर्थ है, ध्वनि का उतार चढ़ाव। बात कर रहे हैं पठन हो रहा है तो किस स्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इसका होगा अनुभव के साथ भाव, जैसे अनुमान के साथ भाव ग्रहण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की संरचना को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। उच्च माध्यमिक विद्यालय या कक्षाओं में जो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है हिंदीतर, उन्हें रचनाओं का स्थान देने का क्या कारण या मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है, अन्य भाषाओं की व्याकरण को से परिचित कराना। सेकेंड है, अन्य भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। थर्ड है, अन्य भाषाओं की रचनाकारों से परिचित कराना। फोर्थ है, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो यहाँ पे हम हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे कि भाषाओं को उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना हमारा उद्देश्य होता है। इसकी वजह से इसका आंसर इसका हो गया करेक्ट वाला फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। फर्स्ट ऑप्शन है, सुंदर लिखावट। सेकंड है, आलंकारिक भाषा। थर्ड है, सशक्त वाक्य विन्यास। फोर्थ है, मौलिक विचार। यहाँ पर बच्चे की मौलिक लेखन क्षमता के बारे में बात हो रही है या सशक्त क्षमता के बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि मौलिक क्षमता या मौलिक विचार, बच्चा क्या है, अपने अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग विचार कर सकता है या मौलिक विचार दे सकता है, इसका करेक्ट आंसर, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहते हैं। में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर भी साफ दिख रहा है, पढ़ते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। सेकेंड है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। थर्ड है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। फोर्थ है, कोश से मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना। तो यहाँ पे मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है क्वेश्चन में। जैसे हम बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग जो होता है उससे क्या है, सुव्यवस्थित
प्रयोग करना होता है, जैसे कि हमें किस प्रकार से सेंटेंस में या वाक्यों में प्रयोग करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त अंक वाले प्रश्न, सेकंड है बहुविकल्पी प्रश्न, थर्ड है एक शब्द से उत्तर वाले प्रश्न, फोर्थ है सही कथन पर निशान लगाने वाले प्रश्न। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न है जो रचनात्मक आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सकते हैं या होंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जैसे कि हमें 45 किस कितने प्रकार की संख्या से लाया जा सकता है, या हम कोई भी संख्या दे देंगे तो उसका योग दे देंगे तो उस संख्या को कितने प्रकार से ले सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से लेके आएगा। जैसे कि 45 को 3 बार 15 15 जोड़ देगा तो 45 आ जाएगा, 15 × 3 में इंटू कर देगा तो 45 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आएंगे तो वो क्या अपने मुक्त अंत वाले आएंगे, तो बच्चे क्या अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा, तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तपस्या सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है, ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। तपस्या है जो सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों भूमि, वसुधा, पृथ्वी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, तो उससे आकर्षित करने का क्या उद्देश्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास करना या कराना, सेकंड है भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, थर्ड है हिंदी की बारीकियां समझाना, फोर्थ है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो यहाँ पर तपस्या सातवीं कक्षा में पृथ्वी, वसुधा, भूमि या इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग कर रही है उसका जो मुख्य कारण है वो बच्चों को शब्द भंडार का विकास कराना चाहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसरी तौर पर किसी पठन को या पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगा लेना। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, सेकंड है पढ़ने की कुशलता को अंतिम पड़ाव है, थर्ड है पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, फोर्थ है पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। यहाँ सरसरी तौर पर पठन को देखकर उसके विषय वस्तु का पता लगा लेने का मतलब पूछा गया है। जैसे कि हम ये बात करते हैं यहाँ पर पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव के बारे में बात करते हैं सरसरी तौर पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है अपनी भाषा में इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, थर्ड है बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए, फोर्थ है बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों के बोलने और सीखने संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं तो क्या है बच्चों को सुनने और बोलने के क्या अधिक से अधिक अवसर हमें देने चाहिए। तो यहाँ पे अवसर क्या हमारा कीवर्ड का काम करता है, जैसे ही आप जिस भी ऑप्शन में सेंटेंस में देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में, भोजपुरी भाषा या भाषी मोना स को स और र को ळ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। तो भोजपुरी भाषी जो मोना है वो स को स बोलती है और र को ळ बोलती है, तो इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? क्वेश्चन पूछा गया, तो फर्स्ट है मृतभाषा से प्रेम, सेकंड है उच्चारण गति त्रुटि, थर्ड है हिंदी भाषा की कठिनता, फोर्थ है मातृभाषा का बेघात। तो जैसे कि यहाँ पे वो मोना स को स बोल रही है और रघुड़ा को बोल रही है, तो वो क्या है उसका मातृभाषा का बेघात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा थर्ड की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, सेकंड तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, थर्ड है अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, फोर्थ है बाल साहित्य के प्रसंगों के बारे में जान सकें। तो कक्षा थर्ड की जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में
भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए देती है। तो क्यों चाहती है, बच्चे क्या करें वो, तो इससे होता है कि अपनी पठन क्षमता बढ़ा सके, वो अपनी बच्चों की या अपने छात्र के बच्चों की, क्लास के बच्चों की क्या है, वो अपनी पठन क्षमता बढ़ाना चाहती है, इसलिए इसे भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य दे रही है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही साथ में। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण या व्याकरण के पक्षों, शब्दों की बारीकियों की आकलन के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, तो फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषा को जानना, सेकंड है शब्दकोशी शब्द संपदा का ज्ञान, थर्ड है संदर्भ में व्याकरण समझना, फोर्थ है पाठ्य पुस्तक व्याकरण के नियम जानना। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक ये व्याकरण के पक्षों के बारे में पूछा गया, बारीकियों के बारे में, तो सबसे संदर्भ सबसे उचित क्या हुआ, महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि संदर्भ में व्याकरण समझना या उसका अर्थ समझना ही सबसे बेस्ट तरीका या अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है आप। फर्स्ट ऑप्शन है उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे या करेंगी, सेकेंड है स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, थर्ड है उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो, फोर्थ है प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। तो जैसे कि आप एक टीचर हैं एक क्लास के, तो आपने बच्चों से बोला कि विद्यालय के आते समय रास्ते में जो जो चीज़ें पढ़ती हैं उनके नाम लिखते हुए जाएं, मगर आपकी कक्षा में क्या है, एक बच्चा दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता है, तो आप उसके लिए किस प्रकार का कार्य करेंगे या करेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रश्नों में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या परिवर्तन करेंगे, क्योंकि बच्चे में देख नहीं सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे वैसे ही हम कार्य देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर जिससे आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। फर्स्ट ऑप्शन है पठान प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, सेकेंड है पाठ के व्याकरण की जाँच परख करना, थर्ड है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, फोर्थ है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, तो बच्चों को भाषाई क्षमता को आकलन के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं तो पाठ के विषय वस्तु को लिखवाना सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। तो सेशन यहाँ पे यही समाप्त होता है हमारा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे को आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी, जैसे हम वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन तो मिलती रहेंगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।